दोस्तों वाराणसी काशी बनारस भारत नहीं अपितु पूरे विश्व का अत्याधुनिक घाट नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का आयोजन 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक किया जा रहा था। आज 30 दिसंबर को इसका समापन भी हो रहा है। दोस्तों इस आदमी को पहचान लीजिए, है छोटे दुकानदार लेकिन दिल बहुत बड़ा है। दिल को परखने के लिए हमने इनसे कहा 2 रुपये का हमें दाना दे दीजिए, तो इन्होंने बहुत प्यार से बिना नानुकुर किए हमें 2 रुपये का दाना दे दिया। उसके बाद भले ही हमने 10 रुपये का दाना खरीदा इनसे, लेकिन इन्होंने 2 रुपये का दाना भी हमसे इनकार नहीं होने दिया। ये है बनारसी जज्बा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं नमो घाट पर। आपको बता दें नमो घाट पर काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 17 दिसंबर से 30 दिसंबर यानी आज के दिन, आज 30 दिसंबर है, आज के दिन समापन होने वाला है और साथ ही साथ वड़क्कम काशी कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है। आपको बता दें काशी और तमिल यानी साउथ इंडिया के लोगों को काशी से जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम को बृहद रूप दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आकर के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए थे, तब से लेकर के आज तक ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और बहुत सारे हमारे साउथ इंडियन भाई काशी में आ करके इस कार्यक्रम का पूरे दृश्य से एक तरीके से गवाह बन करके यहाँ पर गए हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको दिखाते हैं काशी तमिल संगमम का पूरा दृश्य, जो वाराणसी के सबसे अत्याधुनिक घाट यानी नमो घाट पर उसका आयोजन किया जा रहा है। तो आपको दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने लोगों में शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आज अंतिम संध्या का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि काशी तमिल संगमम ये द्वितीय संस्करण है, यानी ये दूसरी बार अपने काशी में हो रहा है। पहला बीएचयू में हुआ था कुछ माह पहले, अब ये नमो घाट पर हो रहा है। आपको बता दें ये काशी तमिल संगमम 17 दिसंबर से शुरुआत हुई थी यहाँ पर इस मंच पर, आज हो गया है 30 दिसंबर। आप देख सकते हैं कार्यक्रम को देखने के लिए पूरी काशी की भीड़ यहाँ उपस्थित है। ये भीड़ है, ये देख सकते हैं अलग अलग विधा के लोग अपने अपने कला का इस मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं, काशी कमिल संगमम के मंच पर। आज आखिरी संध्या यानी आखिरी दिन है इस कार्यक्रम का। आप यहां आदरणीय मोदी जी के सपने देख सकते हैं, मेरे बनारस के तो रोम रोम से गीत संगीत और कला झरती है। ये पूरे बनारस की ये झलकियां हैं। दोस्तों आपको बता दें, देखिए ये जो बड़ी सी क्रूज देख रहे हैं आप, बोट देख रहे हैं, ये इसमें साउथ के लोग बैठे हुए हैं, यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से समापन के बाद यानी नमो घाट के समापन के बाद अब ये जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए दशाश्वमेध घाट। काशी तमिल संगमम का समापन का कार्य करवा करके साउथ के हमारे भाई लोग जा रहे हैं गंगा आरती को देखने के लिए। आपको जूम करके दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं स्टॉल के समापन की झलकियां, अपने सामानों को पैकअप कर रहे हैं, खाली खाली सा लग रहा है समापन के दिन। आप देख सकते हैं स्टॉल पर जो है हमारा संकल्प विकसित भारत, ये टी हमारा नीचे गिरा हुआ है।
दोस्तों आप देख सकते हैं वाराणसी का सबसे अत्याधुनिक घाट नमो घाट, और यहाँ पर काशी संगमम तमिल का आयोजन किया जा रहा है कि यहाँ पर साउथ के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा पर यहाँ आकर के इस कार्यक्रम में शिरकत लिए हुए थे, सम्मिलित हुए थे। और इसके सामने आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त नज़ारा, एक अच्छी सी व्यू देखने को मिल जाएगा। ये दीप देख सकते हैं, इस बाउंड्री पर लगाया गया है। ये तीन सूर्य नमस्कार करते हुए हाथ, यानी स्कल्पचर जो जो इस नमो घाट की शोभा में चार चांद लगाते हैं। नमो घाट के तीनों हाथ को काफी करीब से दिखा रहे हैं आपको। नमो नमः और ये हाथ। काफी नजदीक से आप देखेंगे इसको। यहाँ पर लाखों लोग इस समय तो प्रतिदिन विजिट कर रहे हैं इस नमो घाट को, और इन दिनों तो यहाँ की सुंदरता देखते बन रही है, गजब की सुंदरता है यहाँ की। क्योंकि काशी तमिल संगमम में अन्य जगहों के भी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से सजा दिया गया है, मानो किसी दुल्हन के घर की तरह सजा दिया गया है। जहाँ पर बाराती आते हैं, यानी दुल्हन का घर, उस घर को ऐसे सजाते हैं जैसे नमो घाट को सजाया गया है। और जैसे दीपावली के समय हम लोग अपने घरों को सजाते हैं दीप और लाइट झालर को, इस तरीके से सजाया गया है नमो घाट को। काफ़ी भव्य सजावट है, काफ़ी भव्य कार्यक्रम चल रहा है काशी तमिल संगम का। आप जैसे यहाँ सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ लगाई गई, ताकि लोग नज़दीक से पहुँच करके आसानी से सेल्फी ले सके। और यही देखे हुए चीज़, यानी यही बनारस की दृश्य, बनारस की गाथा को जा करके अपने यहाँ लोगों को बताएंगे, बनारस की संस्कृति, बनारस का रहन सहन, वेशभूषा, कार्य, खान पान, ये बताने के लिए उनको मिलेगा। यहाँ के लोग कैसे थे, कैसा व्यवहार हमारे साथ किया गया। हालांकि काशी तो हमेशा अपने व्यवहार में हमेशा अव्वल होता है, चूँकि अतिथि देवो भव का पालन किया जाता है। दोस्तों, नमो घाट से माँ गंगा के दर्शन और माँ गंगा में चल रहे नाव और क्रूज देखने में गजब के सुंदर लगते हैं। और आप ये मालवीय ब्रिज को देख सकते हैं, ये काशी की सुंदरता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जूम करके हमने आपको अपना राष्ट्रीय ध्वज दिखाने का प्रयास किया, काफ़ी दूर है फिर भी हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। ये लाल लाइट जो है ब्लिंक करती हुई, दोस्तों आप देख सकते हैं ये काशी तमिल संगमम, यानी ये फेज टू की तरफ ये सीढ़ी आपको ले जाएगी। और यहीं पर सुनने में आ रहा है कि सूर्य नमस्कार करते हुआ हाथ, यानी स्कल्पचर यहाँ बनने वाला है। अभी हमें पूरा जानकारी नहीं है, आपको जानकारी हो तो कमेंट में करिए। ये तोड़फोड़ हुआ है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य नमस्कार करता हुआ हाथ का स्कल्पचर बनाया जाएगा। ये जेसीबी से यहाँ पर तोड़ा जा रहा है।
अब कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमो घाट पर काशी तमिल संगमम की एक झलकी आपको देखने को मिल जाएगा। भरतनाट्यम देखा, उसकी प्रस्तुति देखी और अब आइए हम देखते हैं उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य कथक की ये प्रस्तुति, जिसे लेकर के हमारे बीच डॉक्टर विधि नागर अपने समूह के साथ उपस्थित है। जोरदार तालियों से विधि नागर एवं समूह का आप मंच पर स्वागत अभिनंदन करें। ये प्रस्तुति उनकी क्रमवार प्रस्तुति होने वाली प्रस्तुति है श्री विश्व नाट्यम की।
जो गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम एवं नागेंद्र हराल हराय त्रिलोचनाय की होगी। अंतिम समापन सत्र है ये, तो फिर हम विदा हो जाएंगे। मैं मंच समर्पित करती हूँ डॉक्टर कुमार अमरीश चंचल जी और समूह को, अपनी वाणी को यही विराम देते हुए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। अच्छा लगा तो अपने लोगों में शेयर करेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।